दोस्तों, अगर आप बुक के बारे में थोड़े से भी शौक रखते हैं और अगर आपको बुक पढ़ना बहुत पसंद आता है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की बहुत ही अच्छी बुक जिसका नाम है एवरीवन हैज अ स्टोरी, यानी हर किसी की होती है कहानी, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ये बुक मैंने पूरी की पूरी पढ़ी है, तो यहाँ पे मेरा ओपिनियन क्या है इस बुक के पढ़ने के बाद और यहाँ पे इस बुक में क्या स्पेशल है जो आपको आने वाली बुक में या फिर बाकी एक बुक में नहीं मिलता है, तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस बुक के बारे में थोड़ी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक्चुअली हुआ ये कि मैं बस स्टॉप पे जा रहा था और बस स्टॉप पे जाने के बाद मैंने एक स्टॉल पे एक बुक ऐसे ढूंढना चाहा, मुझे लगा कि बुक कोई तो ढूंढनी चाहिए, तो मैंने सोचा एक ऐसी कवर जिसका कवर अच्छा है वो बुक लूंगा। तो मुझे ये कवर बहुत पसंद आया था तो मैंने ये बुक ली थी। एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था ये राइटर कौन है या फिर ये बुक कौन सी है। तो यहाँ पे जो ये एक्चुअली हिंदी ट्रांसलेशन है, हो सकता है आपको ये नाम थोड़ा सा उल्टा दिखे क्योंकि ये वीडियो मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल ये वही बुक है। फर्स्ट पार्ट है हर किसी की होती है कहानी, जिसका ओरिजिनल नाम एवरीवन हैज अ स्टोरी, जिसका सेकंड पार्ट अभी थोड़े दिन पहले सवि शर्मा, इंडिया की बहुत ही लीडिंग राइटर है दोस्तों, ये इन्होंने इसका सेकंड पार्ट रिलीज किया है। अमेजोन पे एक्चुअली आपको ये बुक मिल जाएगी और यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों भी बुक्स की लिंक मैं दे रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप परचेस करना चाहेंगे ये बुक तो आप उस डिस्क्रिप्शन लिंक से जाएंगे तो आपको ये बुक मिल जाएगी। आपको क्या करना है दोस्तों, इस बुक के बारे में मैं ये बता रहा हूँ आपको कि दोस्तों ये बुक मैंने तीन महीने पहले ली थी। मैंने इसको धीरे धीरे करके पढ़ा है और बाकी की बुक जैसे फर्स्ट पेज में स्टार्ट होते हैं और एंड में कुछ अलग स्टोरी का कुछ उनका एम या फिर हम बोल सकते हैं रेफरेंस निकलता है, लेकिन इस बुक का एक स्पेशल बात ये थी कि इस बुक में अलग अलग कहानी है। दोस्तों हम जैसे चैप्टर्स पढ़ते हैं वैसे आपको अलग अलग कहानी इसमें मिलेगी और यहाँ पे इस बुक की अच्छी बात एक और एक ये बुक आपको बोर नहीं होती, क्योंकि बाकी की बुक अगर आप पढ़ने लेंगे तो आपको एक ही कैरेक्टर आपको पूरी की पूरी बुक में मिलेगा, यानी स्टार्टिंग में अगर आपको कोई विशाल नाम का कैरेक्टर मिलेगा तो फाइनल में भी विशाल नाम तक आपको रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स और यहाँ पे अलग अलग इंसिडेंट दिखाए गए हैं, यानी कोई सीरियस मैटर बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों ये एक्चुअली फिलोसॉफिकल बुक बोल सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे इस बुक में उन्होंने सीरियसली बताया है कि हर किसी की कहानी कैसी होती है, कैसी कहानी मोड़ लेती है, कुछ एक इंसिडेंट होता है उसके बाद कहानी अलग मोड़ पे कैसे जाती है, ऐसे बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया इस बुक में। और यहाँ पे इस बुक के बारे में अगर मैं और आपको जानकारी दूं तो ये दोस्तों देखिए सवि शर्मा इंडिया की बहुत लीडिंग राइटर है, फिलोसॉफिकल बुक्स ये बहुत अच्छी लिखती है, और अगर आप इस बुक की सेकंड कॉपी भी देखना चाहेंगे तो आपको ये अमेजोन पे मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम पे सर्च कर रहा था, इंस्टाग्राम पे मैं अपना सर्फिंग कर रहा था, उस वक्त मुझे एक ऐड आई जो ऐड थी सवि शर्मा के बुक्स की, यानी सवि शर्मा का जो प्रोफाइल इंस्टाग्राम उन्होंने उसको प्रमोट कर दिया था शायद, तो इसकी वजह से उनकी ऐड मेरे फीड में आ गई थी। तो वहां पे जब मैंने उनके प्रोफाइल को देखा तो मैंने सोचा उनकी प्रोफाइल पे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है, उनको बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं इंडिया में, तो मैंने सोचा उसका जो सेकंड पार्ट अभी आया है एवरीवन हैज अ स्टोरी पार्ट टू, उस पार्ट के बेस पे मैंने इस पार्ट के वीडियो को बनाना का चाह। तो दोस्तों देखिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप फिलोसॉफिकल बुक्स के बहुत अच्छे दीवाने हैं, आपको फिलोसॉफिकल बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और थोड़ी सी लव स्टोरी भी है इसमें, एक्चुअली थोड़ी सी लव स्टोरी है, लेकिन अगर आप बुक्स में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आपको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो ये बुक आपके लिए थोड़ा सा कुछ अलग पढ़ने के लिए मस्त है। और मेरी जो वीडियोस देखते हैं वो 18 या 24 इयर्स के बीच में, तो थोड़ा सा प्यार व्यार में तो वो पढ़ ही जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये बुक किया वीडियो आपके लिए स्पेशली बनवाया है। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, अगर आपको और अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसी बहुत अच्छी वीडियोस यंग स्टूडेंट्स के लिए या फिर यंग पीपल के लिए मैं हर रोज लाता रहता हूँ। अगर आपकी वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।